I was born in a slum, but the slum was not born me. नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमत न्यूज हिंदी के स्वतंत्रता दिवस के कैंपेन कुछ तो पॉजिटिव करते हैं मैं। हम आज आए हैं नोएडा एक ऐसे शख्स से मिलने, एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराने जो खुद स्टेशन पे रहे, जिन्होंने 11 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा, पर ना जाने आज कितने लोगों को और कितने स्लम के बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, उनकी जिंदगी संवार रहे हैं। तो हम जानेंगे उनके एनजीओ के बारे में जिसका नाम है वॉइस ऑफ स्लम, उन्हीं से, उन्हीं के जुबानी। स्वागत है देव आपका लोकमत न्यूज हिंदी में, हमारे इस कैंपेन में कुछ पॉजिटिव करते हैं। तो आप हमें बताइए, जो आपका ये एनजीओ है वॉइस ऑफ स्लम, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कैसे कैसे आप कहाँ तक पहुँचे, क्या कर रहे हैं इसमें आप? सबसे पहले सबको नमस्कार। और वॉइस ऑफ स्लम की शुरुआत कुछ अजीब सी है कि दो रैक पिकर्स मिलके इसे चला रहे हैं आज, जो कभी कूड़ा भी ना करते थे, कचड़ा भी ना करते थे। सो वॉइस ऑफ स्लम की शुरुआत ऐसी हुई कि हमारे हमको कुछ क्योंकि आप सबको पता ही है कि हम लोग भी स्टेशन पे रहे, और जो मेरी को फाउंडर हैं वो खुद, उन्होंने फूल बेचे, रैक पिकिंग, मतलब कूड़ा बीना। स्टेशन की लाइफ बड़ी अजीब सी होती है, आपको ड्रग्स की आदत पड़ जाती है, तो वाइटनर लेने लग गए अपने दोस्तों के साथ। और एक बात हमेशा बहुत खलती थी, मतलब ऐसा लगता था यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब मैं बॉटल्स पिक करने जाता था ना, तो लोग हमसे झूठा खाना ऑफर करते थे, और जो जो दर्द है वो आपकी आंखों से भी झलक रहा है, मतलब थोड़ा वो मैं कभी भूल नहीं पाता कि एक टाइम था किसी की शायद 2 दिन पुरानी रोटियां थी, और उन्होंने मुझे बोला यार ले ये खा लेना। और हाँ। तो एक महसूस है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर उस दिन सोच लिया था कि हाँ, हम लोग उन बच्चों के लिए, मेरे जैसे बच्चों के लिए काम कर रहे। एक देव स्टेशन से उठ के एक कंपनी का टेरिटरी सेल्स मैनेजर बन सकता है, तो क्या और देव नहीं है, और चांदनी नहीं है? मैंने उस चीज को लेके अपनी जॉब छोड़ दी, और मैंने स्लम के बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। मैं केवल उनके ही लिए काम करूंगा, उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रीएंटर कराने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जिसे हमें पूरा करना है। तो इसकी स्टार्टिंग ऐसी हुई कि हमने एक फेसबुक पे पेज बना दिया, और पेज बना के उस पर डाला कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज का, एक एक रुपए चंदे मांगे आपने इस एनजीओ की शुरुआत के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की थी, प्रेजेंटेशन बनाई, लोगों को दिया, लोग एक हार गए हम लोग, हम किसी ने हमारी नहीं सुनी, ना सरकार ने ना समाज ने। एक रुपए में आज हमें एक अच्छी चॉकलेट भी नहीं मिलती, शायद वो हमारा जमाना था जब मेरे भी बचपने की जो बात थी, जब 1 रुपए में एक चॉकलेट आती थी, बट अब 1 रुपए में बच्चों को एक अच्छी चॉकलेट नहीं मिलती। आपने 1 रुपए से एनजीओ शुरू करने का सोच लिया, मतलब ये सुनकर ही मुझे बहुत अजूबा लग रहा है, ये कैसे किया? ये ऐसे किया था, लोग सुन नहीं रहे थे, निराश बैठे हुए थे। तो आज भी मुझे एक बात याद है, तो मैं और मेरी चांदनी जी, मैं सुल्तानपुरी में बेस था, तो सुल्तानपुरी यहाँ से लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। तो मैं सुबह क्या होता था, मैं 6 बजे बच्चों को पढ़ाने आना होता था, सुबह 6 बजे या 7 बजे तक मैं स्लम में पहुंचना होता था, क्योंकि 8-9 बजे बच्चे अपने अपने गुब्बारे बेचने। तब आप लोग सिर्फ 2 ही लोग इस स्लम में थे, आप और चांदनी। मैं और चांदनी, तो और फेसबुक तो वर्ल्ड, 1 रुपए एक बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, किसी की जिंदगी को इफेक्ट नहीं करता। तो उस सोच को लेके डाला था, लेकिन ये सोच तो अच्छी थी, लेकिन शायद मैं भीड़ में खो गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, लेकिन 2 घंटे बाद उस भीड़ से अलग भी निकल गया। वो ऐसे हुआ कि हमारे पेटीएम अकाउंट में 6-7 हज़ार रुपये आ गए थे। मिस्टर अनिल चिकारा जी, वो आज हमारे मेंटोर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने उस टाइम पे, हम उन्हें जानते भी नहीं थे, उन्होंने वो पोस्ट शेयर किया, और उन्होंने फ़ोन किया, नंबर मांगा, और फ़ोन किया यार ये बताओ यार 1 रुपए की तो टॉफी नहीं आती है। मेरा भी यही सवाल है देव आपसे, तो आप एनजीओ कैसे चलाओगे, आओ मिलो मेरे से। उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, फिर उनके साथ एक जो अहम, आज हमारे मतलब मेरे एनजीओ का अहम हिस्सा है, सिराज जी, मतलब सिराज सर, उन्होंने क्राउड फंडिंग करवाई। ऐसे करके धीरे धीरे करके 2 से 4 लोग जुड़े, उन्होंने
हमने पूरे अपना एंटरप्रेन्योर का एक मतलब क्या होता है, जमीन से उठकर एक स्टार्टअप होता है, जमीन से होता है, तो उन्हें पता होता है कि स्टार्ट कैसे करते हैं। तो देव मुझे ये बताइए, आपके इस स्लम में कितने बच्चे आते हैं, तकरीबन स्लम में कितने बच्चे पढ़ने आते हैं आपके पास? तो हमारे पास करीबन 100 से 150 बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम नंबर्स पे काम नहीं करते। ठीक है। हम लोग शायद आपने देखा होगा कि ये हम सेंटर स्लम के पास चला रहे हैं। यहाँ पर एक बार देवसराय और चांदनी दी आई, हम लोग सब बच्चे से एक सवाल पूछा, किसी बच्चों को कुछ नहीं पता था। तब देव सर ने अपना एक एनजीओ खोला, वॉइस ऑफ स्लम। तब हम लोग ने पहले चांदनी दी यहाँ पर पढ़ाती थी, अब एक वॉइस ऑफ स्लम स्कूल में पढ़ाती। आप जाते हैं वॉइस ऑफ स्लम में पढ़ने? हाँ, पढ़ाई करते हैं, गेम खेलते हैं, अच्छी पढ़ाई भी कराते हैं, खेल कूद कराते हैं, सब चीज कराते हैं, किताब भी देते हैं, सब देते हैं। देव सर आपको प्यार करते हैं वहाँ पे, अच्छे से ट्रीट करते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से? हाँ। आपको हम एक ये भी बता दें कि ये बच्चे से पढ़ाई में ही नहीं खेल कूद में भी बहुत माहिर हैं, और ये DPS के बच्चों तक तो हरा चुके हैं, तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि ये कैसे उन्होंने उनको हराया। एक बार हम लोग किड्जानिया गए थे, तब वहाँ पर एक बार फुटबॉल सिखाए थे, तब एक बार हमारा मैच हुआ था, हम जीत के आए थे वहाँ से। मैंने पहले स्लम में जाके पढ़ाते थे, जैसा कि मैंने पिक्चर्स में आपने दिखाया, देख रहे हैं कि अब स्लम में जाके हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्लम में जाके क्या, आपने ऐसे ऐसे स्टार्टिंग में शुरुआत की है। हाँ, तो जब स्लम में जाके पढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा, बच्चे बिना नहाए आते थे, बच्चे के माँ बाप उसे कभी भी ले जाते थे। ओके। बड़ा डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन नहीं था। मैंने कहा नहीं, और हम लोग जाके तो ज्यादा बच्चों को पढ़ा पा रहे थे, तो क्लासेस 2 घंटे की होती थी, 1 घंटे की होती थी, तो हम लोग ज्यादा स्लम्स कवर करते थे। बहुत सारी एनजीओ को गवर्नमेंट फंड करती है, गवर्नमेंट उनके साथ है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, तो आपने इस चीज़ की कभी डिमांड नहीं की या ट्राई नहीं किया कभी इन सब चीज़ों का? तो जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज से कुछ समय पहले हमने अपना एनजीओ के लिए आवेदन दिया था एक SDM कोर्ट में। सरकार हमेशा योजनाएं सही ही बनाती है, इम्प्लीमेंट सही नहीं हो पाता, और जो नीचे बड़े लेवल पे लोग सब अच्छे हैं, तो नीचे के तबके के लोग हैं ना, उनको मतलब आप जब तक मतलब शायद मुझे कैमरे पे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हाँ कि वो पैसे मांगते हैं ऐसी कुछ चीज़ें, मतलब तो हमें एक एनजीओ रजिस्टर्ड करा, करप्शन का शिकार हुए हैं आप। हम लोग करप्शन का शिकार हुए हैं, तो हमें आप सोच भी नहीं सकते कि एनजीओ रजिस्टर्ड करने के लिए केवल 50 रुपए लगते, जो सरकारी फीस है वो 50 रुपए लगते हैं, और हमसे मांगे जा रहे थे 10,000 रुपए। हमने धरना दिया वहाँ पे जाके, हमने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, सब कुछ बोला, लेकिन हमारा एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं हुआ। फिर जाके एक वकील थे, उनसे हमने हेल्प ली, तब जाके हमारा एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ। तो सरकार के साथ तो हमारे तो अभी तक हम ऐसा कुछ कर नहीं है, होपफुली आगे करेंगे। तो जब आपने एनजीओ स्टार्ट किया था तो आप स्लम में जा जा कर पढ़ाते थे? जी बिल्कुल, मैं स्लम में और चांदनी स्लम में जा जा के पढ़ाते तो थे। वो क्या, वो स्लम आपके जैसे आपने बताया यही कुछ इलाकों के स्लम थे या बहुत सारे स्लम में? बहुत सारे स्लम थे, क्योंकि जब क्या होता है हमें कहीं जाना होता है तो हम 10 जगह जा सकते हैं। हाँ। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे गंदे बिना नहाए उठ के पढ़ने आ जाते थे, कोई पढ़ने नहीं आता था, केवल टाइम पास करने आ जाता था, तो बच्चों में रिजल्ट नहीं आ रहा था। हम लोगों ने सोचा कि नंबर्स पे काम करने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम शायद पूरी दुनिया तो ना ठीक कर पाएँ, लेकिन जितना ठीक करते हैं उसे तरीके से सलीके से ठीक किया जाए। तो हमने फिर सोचा कि हम स्लम में नहीं, हम स्लम के पास एक पूरी बिल्डिंग ली, बिल्डिंग में स्कूल खोला, स्कूल में फैसिलिटीज़ दी। अब जैसे आज देखते हैं कि आप प्रोजेक्टर से बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक नया मतलब आज भी हम चौक और पेंसिल और सब बच्चों को ई लर्निंग मतलब पढ़ाने के तरीकों को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि बच्चे कहते हैं वो हम पढ़ थोड़ी ना रहे हैं, मजबूर हो जाते हैं आने पर, मतलब पढ़ थोड़ी ना रहे, हम तो टीवी देख रहे हैं, खेल खेल में वो चीजें सीख रहे हैं बच्चे। हाँ, वो सीख रहे हैं। अब बच्चे इतना ज्यादा वो मतलब जगह जगह जाते हैं, तो उनको एक वो मिलता था, बच्चे मतलब अब पहले था कि हमें बच्चों को ले दे के जाना, लेने जाना पड़ता था डेली, उसके लिए एक टीचर अलग रखा हुआ था जो बच्चों को केवल लेने जाता था। आज ये है, बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं तो उनसे पूछा जाए कि आप यार जाओ 3 बज गए, बोलते 1 घंटा और रुक जाना था प्लीज, 1 घंटा और रुक जाना, बिकॉज यार कूलर लगे हैं, पानी की व्यवस्था है, वो फैसिलिटीज उनके घर घर में नहीं है, वो उनको यहाँ मिलता है, एक अच्छा माहौल मिलता है पढ़ने के लिए। देव, तो जो आपका एनजीओ है वॉइस ऑफ स्लम, इसका फ्यूचर क्या है, आपने क्या सोचा हुआ है कि मतलब भविष्य में आप इस एनजीओ को कहाँ देखना चाहते हैं?
भविष्य में हम इस एनजीओ की सोच को, ये एनजीओ नहीं है सबसे पहले तो, ये एक सोच है और इस सोच को हम बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, जो सभी चाहते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम इसे सेल्फ सस्टेनेबल एनजीओ बनाना चाहते हैं। सेल्फ सस्टेनेबल ऐसे कि हम बच्चों को, जैसे आपने देखा, हम बच्चों को सही तरीके से कुछ स्किल्स देना चाहते हैं। लाइक हमारा आने वाला, जो अभी तक हम बच्चों पढ़ा रहे हैं, हमारे आने वाला एक प्रोजेक्ट है आई एम एंटरप्रेन्योर। ओके, तो आई एम एंटरप्रेन्योर वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम बच्चों को कुछ स्किल्स देंगे। तो देव, आखिरी में मैं, जो हमारा कैंपेन है लोकमत न्यूज हिंदी का, कुछ पॉजिटिव करते हैं, इस कैंपेन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ये कैंपेन बड़ा ही सराहनीय कैंपेन है, क्योंकि आज चटपटी खबरें, मलिश्का ने गाना लगा दिया, मलिश्का ने कोई गाना गा दिया तो वो फेमस हो गया, किसी टाइगर श्रॉफ ने शर्ट कोई गलत पहन ली तो वो न्यूज़ बन गई। तो मतलब ऐसी न्यूज़ लोग चटपटी न्यूज़ छापते हैं, PH3 इंटरटेनमेंट या स्पोर्ट छापते हैं। लेकिन ये कैंपेन ऐसी पॉजिटिव, क्योंकि आज दुनिया में बहुत लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ निगेटिव, हमारे इस कैंपेन का मकसद भी वही कि हमारे देश में सिर्फ निगेटिविटी नहीं है। हाँ, आज कुछ मतलब आप जैसे अच्छे लोग हैं। आप समझिए, लोग कठुआ को प्रमोट कर, मुझे नहीं लगता हीमा दास जी हैं जो हमारे लिए गोल्ड लेकर आई हमारे देश के लिए। और अगर हम कठुआ रेप की बात करें, जितना ज्यादा या रेप की खबरें और वो सब चलते हैं और लोग पॉजिटिव चीजें नहीं छापते हैं, तो ये थोड़ा सा है। तो इसको आप उन पॉजिटिव लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात समाज और सरकार तक पहुंच रही है। शायद इस कैंपेन के बाद, इस वीडियो के बाद हमसे चार लोग जुड़े तो हमारे कैंपेन का मकसद यही है। तो जब चार लोग जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी उस सोच को आगे बढ़ाने में, धक्का लगाने में लोकमत का हाथ होगा। तो ये बहुत ही सराहनीय कैंपेन है। जब भी आपकी गाड़ी का दरवाजा कोई व्यक्ति खटखटाए तो आप उसे बुरी निगाहों से ना देखें, आप उन्हें सहमी और दान दया की निगाहों से ना देखें, आप सोचें कि आप उसे कैसे उसके पैरों पर खड़ा कर सकते हैं।